नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का जो सेशन है ये हमारा कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का मैथमेटिक्स का सबसे पहला सेशन है। तो इसमें हम गेट 1994 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लीनियर अलजेब्रा में उसको देखने वाले। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा है ये जो CTQ वाले सेशंस है ना, ये बहुत छोटे रखेंगे, जिससे कि आप लोग क्या है थोड़े से मतलब ईगर रहेगी वीडियोस के लिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x1 प्लस x2 प्लस x2 इज इक्वल x3 इज इक्वल टू 3, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, है ना। तो पूछा गया है कि यहाँ पे क्या सोल्यूशन होगा। ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, तीन लीनियर इक्वेशंस है, तीन अननोन है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो रहेगा सोल्यूशंस क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन के पीछे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, कंसेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मुझे एक सिस्टम दिया हुआ है जो कि कुछ ऐसे दिखता है, और यहां पे दिया हुआ हो ठीक है, ये मेरे क्या है, तीन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे ये मेरा जो है ना तो ओवर डिटरमाइन है ना तो अंडर डिटरमाइन है, यहां पे तीन अननोन है और तीन मेरे इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पे तीन पॉसिबिलिटीज होंगे, तीन पॉसिबिलिटीज होंगे क्या क्या। यहां पे हो सकता है या तो यूनिक सोल्यूशन हो, यूनिक मतलब क्या सिर्फ एक सोल्यूशन, या तो यहां पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, या क्या हो सकता है यहां पे मेरा जो है नो सोल्यूशन हो। अभी देखिए यहां पे मैं नॉन होमोजीनस का बात नहीं करूंगा। अब यहां पे भी दो केसेस हो सकते हैं क्या, कि अगर B1, B2 और B3 जो मेरा एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, अगर सबके सब मेरे जीरो होते हैं, ठीक है, तो इसको हम होमोजीनस बोलेंगे। तो अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अभी यहां पे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ये जो है कोफिशियंट्स प्रेजेंट है यहां पे नॉन जीरो टर्म, तो बस हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी इसको नहीं, जब क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तब ये वाले कंसेप्ट को हम बात करेंगे। तो अब अगर इस टाइप का हमको दिया हुआ है तो हम सॉल्व कैसे करें, तो बहुत सिंपल होता है। देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, एक मैट्रिक्स बनाता हूं सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अच्छा ये चीज बता दूं कि ये टाइप ऑफ सिस्टम जहां पे कि ये कोफिशिएंट्स जीरो ना हो, तो इसको हम नॉन होमोजीनस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनस सिस्टम। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जान के रखिए आप लोग। तो जब होमोजीनस भी आएगा तब हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। अब देखिए ये सी मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि क्या होता है मेरा ए और बी का ये मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण होता है। तो अगर ए यहां पे देखो मेरा 3x3 है और बी अगर यहां पे मेरा 3x1 है, तो ये जो सी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर रहेगा 3x4। ठीक है, और ये सी मैट्रिक्स दिखेगा कैसे, ये कुछ ऐसे दिखेगा। और यहां पे होगा ये मेरा A13, A23 और A33। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे B वाले जो मेरे हैं ये भी आ जाएंगे, B1, B2, B3। ठीक है, ये हो गया क्या मेरा, ये हो गया मेरा सी मैट्रिक्स, जिसको हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नाम दिया है। अब देखिए यहां पे तीन केसेस होंगे क्या, देखिए ये है क्या मेरा 3x4। अब रैंक ऑफ सी क्या हो सकता है, रैंक ऑफ सी इट कैन बी मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम, तो मिनिमम ऑफ 3, 4 मतलब इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, रैंक ऑफ सी,
और रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है, ए मैट्रिक्स जो है, ये वाला मेरा मैट्रिक्स है A11, A12, A13, ठीक है, तो ये मेरा रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है, इट विल बी ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 3। अब ये दो रैंक के बेसिस पे बेसिकली हम डिटरमाइन करेंगे ये जो सिस्टम है इसमें मेरा नो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन यूनिक होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो देखिए यहां पे अगर रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू फुल रैंक आ जाता है, फुल रैंक मतलब क्या, ये वाले केस में अगर फुल रैंक मतलब मेरा आ गया 3 तो मैं बोलूंगा क्या, ये यूनिक सोल्यूशन है। अगर रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए अगर फुल रैंक नहीं आता है, लेस देन, यहां पे मैं अगर बोलू लेस देन फुल रैंक मतलब क्या, लेस देन 3 ये वाले केस में, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और अगर रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए इमीडिएटली मैं बोल दूंगा यहां पे मेरा नो सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हुआ, एक कंसेप्ट हुआ हमको सॉल्व करना है। अब यहां पे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि यहां पे नो सॉल्यूशन आता है, यूनिक आता है कि इनफाइनाइट आता है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे और भी क्वेश्चन है जहां पे कि यूनिक भी आएगा नो भी आएगा, तो उस टाइम पे हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अभी इसके लिए देख लेते हैं कि यहां पे कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि यहां पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। देखिए तो सी मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा तो ये कैसे दिखेगा मेरा सी मैट्रिक्स जो है, यहां पे कोफिशिएंट देख लीजिए तो ये 1 1 1 और B1 क्या है यहां पे 3 लिख दिया। यहां पे ध्यान से देखेंगे कि ये X1 के साथ 1 है, X2 के साथ -1 है और X3 है नहीं तो 0, और ये क्या है मेरा B2 तो ये भी 0, और यहां पे ये क्या है 1 -1 1 और 1। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, ये जो डायगनल एलिमेंट्स है ना इनको 0 बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 0 अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले क्या करता हूं, ये वाले R2 को लिख दूं अगर मैं R2 -R1 और R3 को अगर मैं लिख दूं R3 -R1, तो ये वाले को ना हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, ये 1 वाले रो को R1 को हमेशा ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी में मैनिपुलेशन करते हैं। तो देखिए अगर ये दो रो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, ये आया 1 1 1 और ये आया 3, यहां पे आएगा 0 और R2 -R1 तो ये 2 हो गया, और यहां पे ये R2 -R1 क्या ना, तो -2 होगा ये, और ये होगा -1 और ये हो गया -3 और यहां पे R3 -R1, ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया -2, ये हो गया 0 और ये हो गया मेरा -2, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे क्या कर सकते हैं देखिए, अच्छा तो यहां पे अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो रैंक सी मतलब मैट्रिक्स जो सी है, ठीक है, सी जो मैट्रिक्स है इसका जो रैंक होगा इट विल बी इक्वल टू ए, ठीक है, इसका जो रैंक होगा ये इक्वल टू ए होगा और ये फुल रैंक रहेगा, क्योंकि अब अगर मैं कुछ भी रो ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म करूं मैं एक रो को तो कंप्लीट जीरो कभी नहीं कर सकता हूं, है ना, कंप्लीट जीरो मैं कभी नहीं कर सकता हूं। तो अब क्या कर सकते हैं देखिए, यहां पे तो रैंक ऑफ सी जो है दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ गया, दैट इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। अब अगर पूछ ले कि x1 x2 x3 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहां पे ये सी मैट्रिक्स आया है ना, तो ये वाला देखिए फर्स्ट कॉलम जो है ये x1 को दर्शाता है, सेकंड कॉलम x2 को, थर्ड कॉलम x3, और ये मेरे कोफिशिएंट कांस्टेंट है ना, बी कांस्टेंट। तो ये वाले को देखिए अगर लिखना हुआ तो मैं कैसे लिख सकता हूं, थर्ड रो को बोल रहा हूं ना, थर्ड रो को देखिए, तो 0x1 -2x2 +0x3 इज इक्वल टू -2, इसका मतलब x2 इक्वल टू 1 आ गया, है ना, x2 इक्वल टू 1। अब सेकेंड रो को देखिए, तो अब डायरेक्ट लिख देता हूं -2x2 -x3 इज इक्वल टू -3, मेरे को ऑलरेडी x2 का वैल्यू 1 पता है, तो ये क्या हुआ यहां से इधर आएगा, तो -x3 इज इक्वल टू -1, x3 का वैल्यू 1 आ गया,
ठीक है, एक्स थ्री का वैल्यू वन, तो यहां से देखिए ये फर्स्ट वाले रो से डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं एक्स वन का वैल्यू वन, ठीक है, एक्स वन का वैल्यू वन, और ये क्या है मेरा यूनिक है, क्योंकि देखिए यहां पे और इसके अलावा और मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा जो कि इन तीनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज वन वन वन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, यहां पे मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया, तो अब जब अगले जगह पे जहां दूसरे जगह क्वेश्चन आएगा नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट का, तब मैं ये वाले सेशन को कोट करूंगा और फिर वहां पे भी बताऊंगा कि ये आपका वहां पे जाके आप ये वाला थ्योरी देखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है क्वेश्चन यहां पे, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, यहां पे मैट्रिक्स m क्रॉस n दिया हुआ है, वेयर m इज लेस देन n कैन नॉट बी मोर देन, तो ये बहुत सिंपल है, ये कंसेप्ट ऑफ रैंक है, ठीक है। अब रैंक क्या होता है, रैंक जो होता है बेसिकली मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इट इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो या कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और कॉलम सबसे पहला, दूसरा क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम, रोज और कॉलम्स लिखना चाहिए, है ना, प्लूरल में, इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब ऐसे रैंक लिख देते हैं ना, रो मतलब रैंक, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ये मेरा। और एक प्रॉपर्टी क्या होता है रैंक का, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू मिनिमम, है ना, इक्वल टू नहीं लिखता हूं, इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो या कॉलम। अब इसका ये लाइन का मतलब क्या लिखा हूं, तो देखिए अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास, सपोज कर लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है, है ना, रियल मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, ठीक है, या m क्रॉस n से अच्छा मैं नंबर ले लेता हूं यहां 4 क्रॉस 3। अब अगर मैं पूछ दूं यहां पे कि मैक्सिमम रैंक आप लोग बताइए ए का क्या हो सकता है, तो ए का जो रैंक है ना, इसको ऐसे मैं डिनोट करूंगा, इट विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4, 3, मिनिमम ऑफ रो या कॉलम। तो मिनिमम ऑफ 4 या 3 यहां पे क्या है, 4 और 3 में से मिनिमम कौन है, 3 मिनिमम है, सो रैंक ऑफ ए इट विल बी लेस देन 3, मतलब ए का जो रैंक है इट कैन बी, पॉसिबिलिटी हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो, ऐसा नहीं कि 4 हो जाएगा, नहीं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 हो सकता है, 3 होगा तो मैं क्या बोलूंगा, फुल रैंक है अपना मैट्रिक्स, ठीक है, फुल रैंक है मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो एंड कॉलम इट इज इक्वल टू 3, है ना, या तो फुल रैंक होगा या अगर 3 से कम होगा तो फुल रैंक नहीं होगा। तो यहां पे वही चीज पूछा गया है कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स m क्रॉस n वेयर m इज लेस देन n, मतलब जो रो है वो कॉलम से कम है, कैन नॉट बी मोर देन, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इट विल बी व्हाट, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, अगर एक ए मैट्रिक्स है जिसका की रैंक, सॉरी, जो कि एक m क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है, तो जो ए का जो रैंक होगा इट विल बी लेस देन मिनिमम ऑफ m क्रॉस n, तो यहां पे बोल दिया गया कि m इज लेस देन n, सो रैंक ऑफ ए इट विल बी लेस देन m, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है, ठीक है। तो 1994 में ईसीई को ये दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने आप लोगों के साथ इसका थोड़ा सा थ्योरी कंसेप्ट जो भी है बताया, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे करके क्या है कि जो लोग मतलब मैथ्स अभी तक किए नहीं है, तो क्वेश्चंस के थ्रू भी आप लोगों को पता चलते जाएगा कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।